नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति के अनछुए पहलू। मध्य प्रदेश में एक विधानसभा ऐसी है जिसकी आदत राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, एक ही चेहरे पर दोबारा दाव नहीं लगाती। जी हाँ, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वह जीते हुए प्रत्याशी पर दोबारा दाव नहीं खेलती। क्या वजह है कि वह दोबारा उसी जीते हुए प्रत्याशी को टिकट नहीं देती? इन सारे विषय पर आज चर्चा करेंगे राजनीति के अनछुए पहलू में। आजादी के बाद जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की तूती बोलती थी, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी विधानसभा अक्सर कांग्रेस का विरोध कर उसके खिलाफ चली जाया करती थी। देवपुरी से देवरी नाम से विख्यात यह विधानसभा 1957 में अस्तित्व में आई। इस विधानसभा की जनता के अनुसार पार्टी टिकट देने के लिए विवश दिखती है, क्योंकि इस विधानसभा की नब्ज टटोलने पर इस विधानसभा की तासीर कहती है कि 1957 से लेकर इस विधानसभा में एक ही पार्टी के एक ही चेहरे को दूसरी बार जनता ने कभी नहीं चुनाव जीतने दिया। मजबूरन पार्टी एक चेहरे को रिपीट करने से डरती रही। 1957 में कांग्रेस के बाला प्रसाद मिश्रा, तो 62 में कृष्ण कुमार गौरी शंकर, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे, विधायक बने। 1967 में परशुराम ने पारी शुरू की और वो भारतीय जनसंघ से चुनाव जीत गए। 1977 में इमरजेंसी की आग में झुलसी तमाम पार्टियों ने हलदल चिन्ह, जो कि जनता पार्टी का था, उसको लेकर जनता पार्टी से परशुराम साहू को मैदान में उतारा। कांग्रेस विरोधी इस जमीन पर हलदल चला, परशुराम चुनाव जीत गए। लेकिन परशुराम को 1980 में जीतने के लिए अब पार्टी बदलनी पड़ी। उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। 1985 में इंदिरा लहर में कांग्रेस की वापसी हुई, भागवत सिंह चुनाव जीते, जबकि 1990 में राम मंदिर की लहर में सुंदरलाल पटवा की सरकार में परशुराम ने देवरी में कमल खिलाया। परशुराम मंत्री भी रहे, लेकिन 1993 में सुनील जैन जैसे खूबसूरत नौजवान को कांग्रेस ने अपना जवान बनाया और 1993 में देवरी की जनता ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। विधानसभा की तासीर के अनुसार चेहरा बदला और इस दफा कांग्रेस फिर जीती, लेकिन इस बार चेहरा पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया का था। 2003 में भाजपा की लहर चली, उमा भारती के रिश्तेदार की लॉटरी खुली और रतन सिंह सलारपुर चुनाव जीते। जातिवाद को दरकिनार कर चेहरा फिर बदला, भारतीय जनता पार्टी से इस जनसंघ की जमीन पर एक बार भानु राणा ने फिर कमल खिलाया। लेकिन 2013 में चेहरे बदले और सीट भी बदली। इस दफा हर्ष यादव का विजयी हर्ष फायर हुआ और वो चुनाव जीत गए। लोधी और ब्राह्मण के दिमागी खेल ने देवरी की धरती पर एक परशुराम पैदा किया था, जिसको ऊंचाई मिली, पद मिला, सम्मान मिला। इस सीट का ताकतवर और निर्णायक ब्राह्मण अपने स्वभाव के अनुसार जीते हुए विधायक को जिताने के बाद नाराज होता रहा और पार्टियां भी उसी आधार पर टिकट देती नहीं और टिकट काटती नहीं। फिर चेहरे बदलते रहे और विधायक बनते रहे। इस विधानसभा में तमाम पार्टियों ने ब्राह्मण के मिजाज के अनुसार टिकट बदले और यही वजह रही कि एक ही पार्टी के सिंबल पर लगातार दूसरी बार कोई जीत न सका। लोधी वोट भी यहाँ निर्णायक रहा, जो ब्राह्मण वोट से दोस्ती कर उसे जिताता रहा। लोधी और ब्राह्मण द्वारा रचा गया परशुराम साहू चुनाव हार गया। लोधी और ब्राह्मण की मंशा के अनुसार इस सीट पर विधायक बनते रहे और बिगड़ते रहे। अगर दूसरा वर्ग कुछ करता भी तो वो कर न सका, अपनी मोहब्बत मारता रहा, क्योंकि ब्राह्मण और लोधी वोट यहाँ विधायक बनाते रहे और विधायक बिगाड़ते रहे। आशीष दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, देवरी। देवरी की सादत पर मुझे गोपालदास नीरज का वो शेर याद आता है, मौसम कैसा भी रहे और कैसी चले बयार,
और बहुत कठिन है भूलना पहला पहला प्यार। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, किसी और खबर में किसी और मुद्दे में आपके साथ होंगे, आपके सामने होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। प्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।